चैप लिप्स मेक अस नो दैट विंटर इज कमिंग। आपके साथ ऐसा ही होता है राइट? यस, एक्चुअली लिप स्किन बहुत ही ज्यादा थिन एंड डेलिकेट होता है, इसीलिए बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है रेस्ट ऑफ आवर फेस स्किन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ टिप शेयर करूंगी जिसको आप फॉलो करते हुए इस विंटर में लिप्स प्रॉब्लम को आप टाटा बाय बाय बोल सकते हो। इसका मैं आपको गारंटी देती हूँ, बट आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप इन सभी टिप्स को रेगुलर फॉलो करेंगे विदाउट एनी स्किप। तो आई होप इस वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर इस वीडियो आपको हेल्प करता है तो प्लीज इसको लाइक कर देना एंड शेयर कर देना आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में जिनका भी इस टाइप की प्रॉब्लम होता है विंटर में, ताकि उनका भी हेल्प हो पाए। एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रात में सोने से पहले अप्लाई बोरोलिन। यस, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी फैंसी, बट बिलीव मी इट वर्क मैजिकली ऑन योर क्रैक लिप्स। किसी किसी की होंठ इतना ज्यादा क्रैक हो जाता है कि उसमें खून भी निकल आते हैं, तो बोरोलिन उस पेन को भी ठीक करेगा एंड आपकी क्रैक लिप्स को हील करके उसको सॉफ्ट बनाएगा। आप थोड़ा सा बोरोलिन लीजिए एक स्पून में एंड अभी इसको गर्म करना है, ठीक है? नहीं, आपको बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। जब बोरोलिन स्टार्ट मेल्टिंग, उसी टाइम आपको क्या करना है, फ्लेम को टर्न ऑफ कर देना है। जब ये थोड़ा सा हल्का गर्म रहेगा, उसी टाइम आपको इस बोरोलिन का एक थिक लेयर अप्लाई करना है एंड आपको पूरे रात के लिए इसको छोड़ देना है। एंड सुबह उठकर आपको एक बेबी ब्रश लेना है। यस, आपको बेबी ब्रश ही लेना है, क्योंकि बेबी ब्रश आपके लिप्स के लिए सॉफ्ट होगा। एंड उस ब्रश को लेके आपके लिप्स को हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करना है। अगर आपके लिप्स में बहुत ही ज्यादा पिलिंग होता है तो आपको इसको रेगुलर करना है, एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसको वीक में 2-3 डेज करने से चलेगा, ठीक है? एंड नाउ इसको वाइप कर लीजिए एक क्लीन क्लॉथ से एंड अभी एक लिप बाम अप्लाई कीजिए। टिप्स नंबर 2, अप्लाई मॉइस्चराइजिंग स्क्रब। यस, जो हम लोग आसानी से घर में ही बना सकते हैं। इट्स मॉइस्चराइजिंग योर लिप्स एंड एज वेल एज स्क्रब इट नाइसली। विंटर में लिप्स स्क्रब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पिलिंग होता है एंड जो डेड स्किन सेल है, अगर उसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे तो नथिंग विल बी वर्क ऑन योर लिप्स। तो फर्स्ट आपको जो लेना है वो है दरदरा पिसा हुआ चीनी, एंड इसमें अभी जो एड करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर एवर। एंड इसमें अभी लेमन जूस ऐड कीजिए एंड इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है? एंड आपको इसको लेके वीक में 2 डेज आपकी लिप्स में अप्लाई करना है एंड इसको 5-10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। एंड आफ्टर 10 मिनट्स इसको हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करके रिमूव कर देना है। Then apply a lip balm. Tips number 3, वो है don't licking your lips. जब भी lips बहुत ही ज्यादा dry feel करता है, आप लोग क्या करते हो, उसको lick करते हो, right? आपको क्या इसे relief मिलता है? हाँ, मिलता तो जरूर है, बट वो 1 सेकेंड के लिए, एंड आफ्टर 1 सेकेंड ये उससे भी ज्यादा ड्राई फील होता है। अब ऐसे करने से आपके लिप्स प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सलाइवा आपके लिप्स को और भी ज्यादा ड्राई कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम डोंट लिक योर लिप्स, रादर अप्लाई लिप बाम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विंटर में हम लोग उतना थर्स्टी फील नहीं करते, तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि वाटर पीना जरूरी नहीं है। बट सीजन कुछ भी हो, विंटर, समर, मॉनसून कुछ भी हो, आपको 3 लीटर वाटर इन अ डे पीना ही चाहिए, क्योंकि आप कितना भी एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो बाहर से, इट विल नॉट वर्क अनटिल अनलेस यू डोंट ड्रिंक इनफ वाटर।
तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो भी टिप शेयर किया वो इस विंटर में आपको ये हेल्प करेगा लिप प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अगर सच में इस वीडियो आपको हेल्प करता है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना एंड मेरी चैनल का सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।